प्रभास की आने वाली फिल्म आदि पुरुष का टीज़र जो कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ था, सभी के लिए एक बड़ी निराशा थी। विशेष रूप से प्रभाव उनके प्रशंसकों के लिए था, क्योंकि टीज़र ने पूरी तरह से ज़बरदस्त स्पेशल इफ़ेक्ट्स के साथ बनाया गया, जिससे दर्शकों को एक प्रामाणिक अनुभव से पूरी तरह से वंचित कर दिया। तब कहा गया है कि प्रभास के जन्मदिन के मौके पर आज फिल्म का दूसरा टीज़र रिलीज हो किया गया, लेकिन प्रभास का भगवान राम के रूप में ही एक ही पोस्टर जारी किया गया है। यह देखते हुए कि दर्शकों को पहले ही टीज़र में प्रभास को राम के रूप में देखने को मिल गया है और पोस्टर से उनके लुक का कोई भी अंतर नहीं है। यदि आदि पुरुष की टीम की ओर से बेहद ज़बरदस्त अपडेट निकाला गया हुआ कहा जा सकता है। फिल्म की टीम ने यह कहा कि फिल्म के प्रभाव पर अभी भी काम किया जा रहा है, लेकिन यह देखते हुए कि फिल्म रिलीज होने से ज़्यादा समय नहीं है, जो कि मकर संक्रांति 2023 के लिए रिलीज होने वाली है, यह देखा जाना है कि क्या अंतिम परिणाम अच्छा होगा या नहीं। यदि हाँ तो यह अच्छा है, यदि ना तो यह